अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। बालक की मृत्यु हुई है, मौके पर आप भी पहुंचे, कई घंटों से परिजनों ने चक्का जाम किया, क्या कुछ मांगे थे आपने? ये हमारी हाट पिपलिया ग्राम सभा के ओजड़ी गांव का हमारा परिवार का सदस्य है और ये जो मृत्यु हुई है पूरे परिवारजन का कहना है कि यहाँ पर डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से हुई है और इसी वजह से उस गरीब परिवार के व्यक्ति और इसके पूरे गांव वाले हमारे यहाँ पर चक्का जाम किया। चक्का जाम में हम चाहते हैं पूरे परिवारजन, ये यहाँ के जितने भी गांव वाले भी हैं परिवार वाले, एक तो इसकी मजिस्ट्रियल जांच हो, दूसरा वीडियोग्राफी के साथ में एक टीम के साथ इसका पोस्टमार्टम हो, अगर उस पोस्टमार्टम में जो भी दोषी पाया जाता है मजिस्ट्रियल जांच में उसको तत्काल निलंबित करें, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करें ताकि भविष्य में ऐसी कोई पुनरावृत्ति ना हो सके, किसी के साथ इस तरह की घटना न घटे, क्योंकि परिवार का सदस्य कोई जाता है तो उसका जीवन पूरा समाप्त हो जाता है, उनके पिताजी भी लगभग ग्रस्त है। तीसरी बात, हमारी तत्काल जो रेडक्रॉस से सहायता मिलना चाहिए तो 20,000 रुपये की राशि हमारे यहाँ पर एसडीएम साहब द्वारा उसकी भी घोषणा कर दी गई है, मैं अपनी ओर से 25,000 रुपये की राशि तत्काल उनको उस परिवार को दोनों के साथ ही संबल में उनका नाम है, अगर ये दोषी पाए जाते हैं, चूंकि स्वाभाविक मृत्यु पर 2,00,000 रुपए तक की राशि है, हम अगर ये दुर्घटना ये ग्रस्त हुआ है तो मजिस्ट्रियल जांच में अगर दुर्घटना ये पाई जाती है तो 4,00,000 रुपए की राशि सरकार के द्वारा होना चाहिए, ये हमारी बात थी जिसमें हमारे सभी लोगों ने इस बात को स्वीकार किया है। रवि, अब पोस्टमार्टम के लिए सब पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी करने की बात की गई, पैनल से जांच की गई, ये बात मैंने अभी बोली है कि भाई पोस्टमार्टम एक तो किसी टीम के द्वारा किया जाए और साथ में वो वीडियोग्राफी भी की जाए ताकि उसमें किसी भी तरह की शक या गुंजाइश नहीं रहे कि किसी प्रकार का कोई शक सुबह रहे। भाई साहब, आए दिन छोटी मोटी बीमारियों को लेकर मरीजों को इंदौर रेफर कर देते हैं, आज तो मृत्यु का भी दौर चालू हो चुका है, क्या वरिष्ठ जिम्मेदार अधिकारी या जनप्रतिनिधि कुछ एक्शन लेंगे? कई तरह की व्यवस्थाएं हैं, कुछ अभी नवीन स्वीकृति अस्पताल के हमारे जिला अस्पताल को मिली है, हो सकता है किसी मशीनरी नहीं होने के या कोई किसी प्रकार की जांच नहीं हो पाती है, उस वजह से अगर रेफर किया जाता तो बात अलग है, पर बेवजह अगर रेफर करने की बात होती है तो उसके लिए भी हम संबंधित अधिकारी परीक्षा से इसकी जांच करवाएंगे कि बेवजह किसी भी यहां पर जो भी बीमार व्यक्ति आता है उसको परेशान न किया जाए, उसके परिजनों को परेशान न किया जाए, इस बात का ध्यान रखें। तीस हजार रूपये की आर्थिक सहायता तत्काल में रेड क्रॉस से सरकार द्वारा और 25,000 रूपये की मेरे द्वारा। भाई साहब, ये अभी गांव वालों के थ्रू मांग उठाई जा रही है, या तो सुचारू रूप से सेवा दें एमजी हॉस्पिटल में या बंद करें एमजी हॉस्पिटल, जहां भी जिस तरह की गड़बड़ी पाई जा रही है, देखिये ये जिस तरह से गड़बड़ी हुई है इसकी मजिस्ट्रियल जांच होगी, एक बार इसके पहले भी किसी प्रकार का घपला हुआ उसमें 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो रही है, सरकार ये चाहती है कि परिवारजनों को अच्छी सुविधा उपलब्ध हो और जो भी भ्रष्टाचार हो चाहे गलत तरीके से जो काम करते हैं उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो वो निश्चित रूप से वो करें। सर, यहाँ पर जो है कोई शव रखकर जो है परिजनों ने हंगामा किया था, क्या कुछ उनकी मांगे थी और क्या कुछ हुआ है निर्णय? शुभम जो उपचार रद्द थे उनकी उपचार के दौरान रखी हुई है, जिसको लेकर परिजनों की कुछ ग्रीवेंसेस से शिकायत थी, उन्होंने उसको लिखित में लिया है और एसडीएम साहब ने वो ज्ञापन भी ले लिया है, साथ ही साथ अभी जो मांग की गई थी पीएम रिपोर्ट में टीम से तो उसको करवाया जा रहा है, साथ ही वीडियोग्राफी भी कराई जा रही है और अन्य जो उसकी मांगे उसको विधिवत जांच की जाएगी। सर, कुछ आर्थिक मदद भी की गई है? भारतीय रेडक्रॉस की तरफ से उनको समुचित राशि दी गई है। चक्का जाम से 3 घंटे से यातायात प्रभावित था, इसमें बेसिकली परिजनों के साथ में थे, इस अलावा अन्य जो व्यक्ति हैं अगर ऐसी शिकायत आती है तो उस पर कार्रवाई करें। सर, क्या मानते हैं सर, ये जिला चिकित्सालय की कोई लापरवाही सामने आई है? इसमें मजिस्ट्रेट जांच के ही आदेश हो गए हैं, तो इसमें क्लियर। थैंक यू सर।